प्रवेश इन्फो में आपका स्वागत। इस उथल पुथल की जिंदगी, चिंताओं से, मुसीबतों से भरी हुई जिंदगी में कुछ पल हमें खुशी के मिल जाते हैं, जिससे हमारा मन संतुष्ट भी हो जाता है। तो वो क्यों होता है? संतों की वाणी है, संत बताते हैं कि सुमिरन करो तो मन संवर जाए। अगर सुमिरन किसका करो, मतलब अपने मालिक का, प्रभु का, भगवान का। अगर सेवा करो तो तन संवर जाए। सेवा किसकी करो? जो जरूरतमंद है। एक्चुअल में कितनी दलीलकश है ये गुरु की बात। गुरु ये दो बातें बताते हैं, सुमिरन करो तो मन समझ जाए और सेवा करो तो तन समझ जाए, शरीर समझ जाए, अमल करो तो जिंदगी समझ जाए। अगर आपने इस बात का अमल कर लिया तो आप जिंदगी समझ गई, इसका मतलब कि आपके दुख तकलीफों से राहत मिल गई। कहते हैं इंसान को अपने कर्मों पर भरोसा नहीं, पर मालिक की रहमत पर भरोसा है। मेरे कर्मों में कमी रह सकती है, मगर मालिक की रहमत में कमी नहीं कभी आई। अगर आप सच्चा प्रेम अपने भगवान से, अपने गुरु महाराज से करते हैं और हर समय दूसरे लोगों के लिए अच्छा सोच के प्रे करते रहें, किसी को दुख ना दे। पैसों से मिली खुशी कुछ समय के लिए रहती है, पैसों से जो खुशी मिलती है कुछ समय के लिए रहती है, लेकिन जो अपनों से मिले खुशी वो जीवन भर साथ रहे। ये खुशी का एक बहुत ही, हमको अपनी चिंता और परेशानी इन सबको अपने सतगुरु जी के चरणों में हवाले कर दो और इसके बदले में बेफिक्र होकर भजन सुनने में ध्यान लगाएं, तो हमारी चिंताएं और परेशानियां अपने आप से रास्ते निकाल के लाएंगी और हमारे काम अच्छे अच्छे होने लग जाएंगे। और सब हमेशा भगवान से कहें कि सबको सलामत रखना, स्वस्थ रखना, खुशियों से मस्त रखना। ऐसा अगर कहते रहोगे तो उनका भी भला होगा और भी इसके अलावा और कि आपका स्वास्थ्य, सफलता एवं यश कीर्ति भी असीमित रहे सबके लिए। ऐसा अगर हम सबके लिए सोच लाएंगे, हमारे दिमाग के अंदर दो चीजें होती है, एक पॉजिटिविटी एक नेगेटिव। अगर हम पॉजिटिव वे में चलेंगे तो सामने वाला भी खुश रहेगा और हम भी खुश रहेंगे। देखिए अब मैं एक इंग्लिश की कोटेशन पढ़ रहा हूँ, गॉड स्टैंड्स बाय अस व्हेन वी आर डाउन। जब हम नीचे गिरने लग जाते हैं तो भगवान हमारे सहारे के लिए खड़े हो जाते। ही इनकरेज अस व्हेन वी थिंक ऑफ क्विटिंग। जब हम छोड़ने लगते हैं उस चीज को तो वो हम इनकरेज करते हैं। ही गाइड अस व्हेन थिंग्स सीम कंफ्यूजिंग। जब हमारे कंफ्यूजन होता है तो हमको गाइड करते हैं। तो इसलिए पॉजिटिविटी को लो और भगवान पे विश्वास रखो, आप हमारे सब हालात सही बन के उभरेंगे। थोड़ी फिकर, थोड़ी कदर, कभी कभी खैर खबर, इन छोटी छोटी बातों का होता है बड़ा असर। कहते हैं हिम्मत ना हारो, सतगुरु ना विसारो, उसको भूलो मत सतगुरु को। हंसते मुस्कुराते हुए अपनी जिंदगी गुजारो, अगर मुश्किल से दुखाना करना है खात्मा, तो हमेशा कह दे रहो तेरा शुक्र है परमात्मा। अगर हम भगवान का अपना शुक्र करते रहेंगे और उनको ग्रेस देते रहेंगे कि हम सब ठीक है, तो वो हमारे सब काम अपने आप से पूरे हो जाएंगे। इसी नई सुबह, नई किरणों, नई आशा, नई उम्मीद, नए रास्तों के साथ आप सबको बहुत बहुत दिल और दिमाग से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना विश्वास प्रभु में लगाए रखो और सबके भले की बात करते रहो। इससे हमारे अपने शरीर का, हमारे परिवार का, समाज का, हमारे देश का और संसार में सब सुखी रहें। बस ऐसी सोच रखें। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि इसमें भगवान के प्रति विश्वास है, स्नेह है, प्यार है और वही चीज हम अपनी आत्मा को जगा रहे हैं जो परमात्मा के साथ हर समय मिलती रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट भेजें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।